Jetzt Student St. Louis ist aber, also dann kommen die Ohren in den Mittelpunkt. Aber ich würde es natürlich auch ausgestanden, obwohl wir wissen, wie das ist. The next topic, that is heat, das wird meine Food, auf Palast 10. So, this topic mit haben wir, ये कोशिश करेंगे कि हम एक मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे या हम एक पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी बॉडी में. तो इस हीट जो है इसका काफ़ी ज़्यादा जो रिलेशनशिप है वो टेम्परेचर के साथ है. तो टेम्परेचर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट पैरामीटर टू सर्वाइव वेदर वी आर इन एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस और वी आर इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस. सो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक्चुअली जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करता है, या हम ये कहेंगे कि जो हीट है ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है. तो जो ये हीट है, हीट क्या है, हीट या हीट एनर्जी, तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो हीट है ये एक्चुअली एनर्जी की एक सूरत है, एनर्जी की एक शक्ल है, एनर्जी का एक फॉर्म है जो हम लोगों में, जो हम में, हमारी बॉडी में कोर सा सेंस प्रोड्यूस करता है, वार्म्थ का सेंस प्रोड्यूस करता है, गर्मी का सेंस प्रोड्यूस करता है. ऐसे एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं, या इसको हम सीधा हीट एनर्जी कहते हैं. तो हीट और हीट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट्स इन अस, दैट प्रोड्यूसेस इन अस सेंसेशन ऑफ वार्म्थ, और इट क्रिएट्स इन अस द फीलिंग ऑफ वार्म्थ, दैट इज कॉल्ड एज हीट. तो अगर हम अपने इर्द गिर्द जो भी चीज़ है इन पर हम अगर नज़र दौड़ाएंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी हॉट है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी कोल्ड है. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी कोल्ड, सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी हॉट. तो जो हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं इनका हम यूजली इस्तेमाल कब करते हैं, ड्यूरिंग विंटर क्लाइमेट, और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स का हम यूजली इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग हॉट क्लाइमेट और ड्यूरिंग ह्यूमिड क्लाइमेट. तो दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कार आमद है. तो एक्चुअली क्या होता है कि हॉट और कोल्ड ये किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, बेसिकली इनमें क्या होता है, इनमें ट्रांसफर ऑफ हीट होती है. अगर हम फॉर एग्जांपल कभी कभार हमें सर्दी लगती है तो हम क्या करते हैं कि हम वी ट्राई टू रब आवर हैंड्स, हम अपने हाथों को जकड़ लेते हैं. तो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस देयर, जो हमारे कोल्ड हैंड्स होते हैं ये क्या, ये दे गेट एनफ वार्म्थ दैट वी आर एबल टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क विद आवर हैंड्स. तो हम ये कहेंगे कि ये जो ही हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो मतलब हॉट और कोल्ड है, या इसको हम यूजुअली हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, ये जो हीट है ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है. तो कैसे ट्रांसफर होती है, इट यूजुअली गोज फ्रॉम देयर कोल्ड साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द हॉट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इस हीट को मेजरमेंट करने के लिए एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट. अगर कभी कभार हमें इस किस्म का फील होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा है, यानी फ्योर है हमें, ठीक है, तो हम क्या जाते हैं, हम किसी भी केमिस्ट के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं. तो डॉक्टर के पास एक डिवाइस होता है जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं, और उस थर्मामीटर को हम यूजुअली क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर, क्योंकि इसके जो इसका जो शफाखाना होता है, इसकी जो जगह होती है जहां पर ये इलाज करता है या हॉस्पिटल होता है, वहां पर जो भी थर्मामीटर को हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं. इसके अलावा जो लैब होती है स्कूल्स में, जो लैब होती है जहां पे कि प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, या यूजुअली मतलब इन इन थर्मामीटर्स को जो लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स, इनको कभी डिस्प्ले किया जाता है क्लासरूम्स में ड्यूरिंग एनी डेमोन्स्ट्रेशन, तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि वह लेबोरेटरी में भी होता है एक थर्मामीटर जिसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं, लैब थर्मामीटर हम उसको इन शॉर्ट कहते हैं. तो ये जो दोनों थर्मामीटर होते हैं इनमें एक्चुअली जो इनमें क्या होता है, इनमें एक्चुअली ग्रेडिंग्स होती है, या इसमें इनमें मतलब हम देखें कि नंबर्स होते हैं, ये नंबर स्टार्ट होते हैं 0 डिग्री से कब कहां तक 100 डिग्री सेल्सियस तक, या इससे ऊपर भी होते हैं 200 डिग्री सेल्सियस तक भी होते हैं. तो ये जो स्केल है यूजुअली होती है सेल्सियस स्केल, हम इसको कहते हैं सेल्सियस इन द ऑनर ऑफ अल्फ्रेड सेल्सियस, सेल्सियस स्केल में या फारेनहाइट में, ये बेसिकली दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज थर्मामीटर स्केल्स, सेल्सियस स्केल्स, फारेनहाइट स्केल्स या केल्विन स्केल्स होती हैं. इसके अलावा क्या है, कुछ एक्चुअली पॉइंट्स होते हैं, कुछ कैटेगराइज्ड पॉइंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस जो है, 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा मतलब पॉइंट है जहां पर हम ये देखते हैं कि जो आइस है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर.
100 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वाटर में वेपर्स यानी वाटर ने वाटर जो है बॉयल होता है, वाटर गेट्स कन्वर्ट टू वेपर्स। 30 डिग्री सेल्सियस क्या है, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। 25 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर। इसलिए अगर हम कोई भी मेडिसिन लाते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि स्टोर एट ए कूल एंड ड्राई प्लेस और डू नॉट स्टोर मोर देन टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। हेंस वी कैन स्टेट दैट दिस heat is a very important tool in our day-to-day life activities. That was all about today's topic. Have a nice day.